अगर देखा जाए तो 40 की उम्र में एक ऐसी उम्र होती है जब हमें कई सारी बीमारियां अपनी जद में लेने लगती हैं। खासकर 40 की उम्र में फीमेल्स को कई सारी बीमारियां सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि हार्मोनल चेंजेस भी इसी उम्र से शुरू होने लगते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि खुद को आफ्टर 40 भी चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए सजग रहा जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ मेडिकल टेस्ट एहतियातन कराए जाएं जो संभावित बीमारियों को समय पर पकड़ लें और उनका इलाज किया जा सके। इसलिए कुछ टेस्ट जो खास तौर पर 40 प्लस फीमेल्स के लिए ज़रूरी हैं करना ही चाहिए। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 40 के बाद ब्रेस्ट कैंसर के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए समय रहते इसकी जाँच करते रहिए। इसके लिए मैमोग्राफी कराना होगा, हर 2 साल पर ये जाँच करा लेनी चाहिए। इसके अलावा पेप स्मियर टेस्ट सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए किया जाता है। वैसे तो इसकी जांच 30 के बाद से ही हर 5 साल पर करना चाहिए, लेकिन 40 के बाद तो ये जरूरी टेस्ट में शामिल होना ही चाहिए। 65 साल तक होने तक सर्वाइकल कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। ये टेस्ट यूटेरस और यूटेरस से जुड़ी नलियों से होने वाले इन्फेक्शन और स्वेलिंग को पता करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 40 प्लस फीमेल्स को वीकली और मंथली बीपी टेस्ट करना चाहिए। अगर डायबिटीज, हार्ट या किडनी की प्रॉब्लम हो तो ये जाँच और ज़रूरी हो जाती है। फीमेल्स अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस नहीं होती, इसीलिए कुछ जाँच इनके लिए ज़रूरी हो जाती हैं। इसी तरह हर साल कोलेस्ट्रॉल की जांच भी कराना ज़रूरी है। पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च में भी ये पाया गया है कि कोलेस्ट्रॉल टाइप 1 डायबिटीज़ और हार्ट से जुड़े रोगों को बढ़ाता है। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि इसकी जांच की भी कोई उम्र वैसे तय नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि आफ्टर 40 इसकी जाँच ज़रूरी है। थायराइड धीरे धीरे पूरी बॉडी के सिस्टम पर अटैक करता है और फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट।